पानी आमतौर पर हर जगह मौजूद है। मिट्टी की नमी और बर्फ के चट्टानों से लेकर हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं तक हर जगह पानी मौजूद है। लोकेशन, फैक्स इंडेक्स, एज और सेक्स के आधार पर एक औसत व्यक्ति में 55 से 65% पानी होता है। जन्म के समय एक बच्चे में 75% पानी मौजूद होता है, जिससे तैरने की दृष्टि से वे एक मछली की तरह होते हैं, लेकिन उनके पहले जन्मदिन आने तक उनकी जल संरचना घटकर 65% ही रह जाती है। पानी हमारे शरीर में क्या भूमिकाएं निभाता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें वास्तव में कितना पानी पीना चाहिए, ये है पैडल फैक्ट। और आप देख रहे हैं क्या हो अगर हम पानी पीना बंद कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पैडल फैक्ट को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे शरीर में पानी जोड़ों को आराम और चिकनाई देने, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पोषण देने का काम करता है। पानी सिर्फ हमारे खून में ही नहीं होता, एक वयस्क आदमी के दिमाग और दिल में लगभग 3/4 पानी होता है। यह मोटे तौर पर एक केले में नमी की मात्रा के बराबर होता है। फेफड़े 83% नमी वाले सेब के समान होते हैं और यहाँ तक कि सूखी हड्डियों में भी 31% पानी मौजूद होता है। तो यदि हम अनिवार्य रूप से पानी से बने हैं और पानी से घिरे हुए हैं तो हमें अभी भी इतना पानी पीने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हर दिन हम अपने पसीने, पेशाब और मल त्याग के माध्यम से और यहाँ तक कि सांस लेने से भी 2 से 3 लीटर पानी को खो देते हैं, जबकि ये कार्य हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। हमें तरल पदार्थ के नुकसान की भरपाई करने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर में संतुलित जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही हमारे स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। जब हमारे शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है तब हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में सेंसरी रिसेप्टर्स एंटीड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करने का संकेत देते हैं। जब यह सिग्नल किडनी तक पहुंचता है तो यह एक्वापोरेंस बनाता है, जो कि एक स्पेशल चैनल होता है, और यह रक्त को अधिक से अधिक पानी को एब्जॉर्ब करने और पानी को रोक कर रखने में सक्षम बनाता है, जिससे पेशाब काफी कंसंट्रेटेड और डार्क होता है। शरीर में पानी की कमी से शरीर की एनर्जी, मूड, त्वचा की नमी और ब्लड प्रेशर में हद से ज्यादा गिरावट हो सकता है और साथ ही संज्ञानात्मक हानि के लक्षण पैदा हो सकते हैं। एक पानी की कमी वाला मस्तिष्क यानी एक डिहाइड्रेटेड ब्रेन एक सामान्य मस्तिष्क की तरह जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करता है और पानी की कमी के कारण यह अस्थायी रूप से सिकुड़ भी जाता है। और कम समय में अधिक पानी पीने की वजह से आप ओवर हाइड्रेशन या हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। एथलीट्स अक्सर ओवर हाइड्रेशन के शिकार होते हैं, जबकि पानी की कमी के कारण मस्तिष्क एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है और वहीं ज्यादा पानी के कारण या ओवर हाइड्रेटेड ब्रेन रक्त में पानी को छोड़ता है और मस्तिष्क धीमा काम करने लगता है और कभी कभी मस्तिष्क काम करना भी बंद कर देता है। ओवर हाइड्रेशन से शरीर में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स पतला हो जाता है, जिससे कोशिकाएं सूज जाती है और पेशाब पतला होने लगता है। शरीर में वाटर लेवल्स बढ़ने से सर दर्द, उल्टी और एक्सट्रीम कंडीशन में ये स्ट्रोक या मौत का कारण बनता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही रेयर है। शरीर में पानी की मात्रा को अच्छी तरह बनाए रखना उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी मौजूद है। बहुत लंबे समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमें प्रतिदिन कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए और इस अनुमान को काफी समय से सही माना गया है, लेकिन सच यह है कि हमें जितना पानी पीने की जरूरत है हमें उतना ही पानी पीना चाहिए। और किसी व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्लास पानी पीने की जरूरत है यह उसके वजन और आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। आमतौर पर पुरुषों को प्रतिदिन 2.5 से 3.7 लीटर पानी और महिलाओं को 2 से 2.7 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने स्वस्थ, फुर्तीले या कितने बूढ़े हैं। पानी सबसे हेल्दी हाइड्रेटर है, जबकि अन्य पेय पदार्थ, यहाँ तक कि कॉफी या चाय भी तरल पदार्थ की पूर्ति करते हैं। हमारे शरीर को प्रतिदिन जितना पानी चाहिए उसका 1/5 हिस्सा हमारे भोजन से प्राप्त होता है। स्ट्रॉबेरी, ककड़ी और यहाँ तक कि ब्रोकली जैसे फल और सब्जियों में 90% से अधिक पानी मौजूद होता है, जो कि जरूरी पोषक तत्वों को पूरा करने के साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। अच्छी तरह पानी पीने के कई फायदे भी होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि पानी पीना स्ट्रोक को कम कर सकता है, डायबिटीज को रोकने में मदद कर सकता है और संभावित रूप से कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिमों को भी कम कर सकता है। तो आखिर में मैं आपको बता दूं कि तरल पदार्थ की सही मात्रा प्राप्त करने से आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा सोचेंगे और दिन प्रतिदिन कैसे काम करेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है।